IRFC का मेरा एक शेयर लिया हुआ है, IPO के समय लिया था मैंने, अभी होल्ड करना है या फिर सर सेल करना है? IRFC जो स्टॉक सबसे ज्यादा भाग रहा है आज भी 10% ऊपर है, बराबर? जी जी सर, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में तो गजब की तेजी है, आज 10% ऊपर है विकास। खास बात यह कि कमजोर बाजार में जो स्टॉक ऐसी स्ट्रेंथ दिखा है, इसमें कुछ न कुछ तो जरूर खास होगा। 10% के बड़े गेंस को आज भी होल्ड कर रखे हैं। IPO के समय के इन्वेस्टर हैं, 43.50 का भाव चल रहा है, मुझे याद है 20-23 रुपए के आसपास। सर कनेक्टेड है आप, इशू प्राइस क्या था इसका? सर प्राइस 26 रुपए का था। हाँ 26 रुपए के करीब का प्राइस था, अभी भाव चल रहा है 43.50। क्या करना चाहिए ना? देखो होल्ड तो करना चाहिए, वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसका 40 के आसपास का था, उसने वो क्लियरली ब्रेकआउट किया, वीकली क्लोजिंग भी अच्छा मेंटेन कर रहा है। मुझे तो होल्ड कीजिए, ऊपर में जो यहाँ से रेंज निकल के आ रही है, जो अगर प्राइस एक्सटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर में 51 का नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट जो रेंज ओपन होती है देखने मिल रही है, तो 50-51 के टारगेट के लिए अभी भी इसको होल्ड कीजिए। नीचे में 40 का एक सपोर्ट है जो हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन आज जैसे इंट्राडे में उसने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक अप मूव यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इस काउंटर में देखने मिल रही है ब्रेकआउट के बाद की, तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए। 40 के स्टॉप लॉस से स्टीलिंग स्टॉप लॉस 40 रखी है और ऊपर में 51-50 आसपास के टारगेट अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। 40 का लगाइए स्टॉप लॉस, 51-52 तक के टारगेट्स IRFC में देखने को मिल सकते हैं। और IPO समय के इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा समय और दीजिए, रेलवे स्टॉक्स की बड़ी चाल तो बस शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय तो बिल्कुल देना चाहिए।